तनाव और स्ट्रेस के पीछे चंद्रमा का बहुत बड़ा खेल है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो पंडित जी, कुंडली में अगर चंद्रमा ग्रह की अलग अलग स्थितियां हों तो क्या उससे भी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है? बिल्कुल, चंद्रमा से बीमारियों का पता लगाया जा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। कुंडली में चंद्रमा अगर कमजोर है तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आएगी और इस कारण से व्यक्ति हमेशा तनाव में रहेगा। मानसिक तनाव, बार बार स्वास्थ्य का बिगड़ना, लगातार अस्पताल या डॉक्टर के चक्कर लगाना, चंद्रमा के कमजोर होने का लक्षण है। अगर आप ठीक हैं और आपको कोई टेंशन हुई और आपके पेट में बहुत तेज जलन हो गई तो समझ लीजिएगा ये पेट का रोग नहीं है, ये मस्तिष्क का रोग है, और मस्तिष्क का रोग नहीं है, मन का रोग है। जो आप तनाव में आते ही आपके शरीर में तेजाब बहुत तेजी से आमाशय में गिर गया और आंत में आमाशय में तेजी से ज़्यादा मात्रा में जब तेजाब पहुंचता है तो जलन उससे महसूस होती है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जब आप भयभीत होते हैं, डरते हैं या तनाव में आते हैं तो शरीर की एक प्रक्रिया है जो हो ही जाता है। ऐसे में पेट का इलाज नहीं, मन का इलाज करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ये दशा आपके लिए बहुत हानिकारक है तो मेरा एक कहना मानिए, जब भी आपको जलन महसूस हो बाईं नाक बाएं हाथ की तर्जनी से बंद करिए बाईं नाक, और दाहिनी नाक से सांस लेना शुरू करिए। घड़ी के टाइम से 5 से 7 मिनट तक दाहिनी नाक से सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए, लेते रहिए, छोड़ते रहिए। 5-7 मिनट के अंदर आपकी जलन भी बंद हो जाएगी और आपके मन का डर भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि चंद्र स्वर को जब आप बाधित करेंगे तो सूर्य स्वर चलेगा, सूर्य स्वर चलेगा तो अपने आप तनाव दूर होगा। चंद्रमा अगर कमजोर है, वृश्चिक राशि में है, पापक ग्रहों के साथ है, पापक ग्रहों के मध्य है, पापक ग्रहों की दृष्टि में है, तो ऐसे लोगों को दिल की बीमारी होती है। मिर्गी, जिसको अपस्मार भी कहते हैं, फिट्स भी कहते हैं, या फेफड़े से जुड़ा हुआ कोई रोग, या टेंशन, डिप्रेशन, या सर्दी जुकाम, या याददाश्त का कमजोर होना, या मन में डर होना, बेचैनी का रोग, ये सब चंद्रमा से होते हैं। कुंडली में 8वें भाव का चंद्रमा स्वास्थ्य संबंधी तनाव देता है। कुंडली में चंद्रमा अकेला हो और उसके साथ कोई अन्य ग्रह ना हो तो भी चंद्रमा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां देकर तनाव बढ़ाता है। चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह ना हो और चंद्रमा से 4वें, 7वें, 10वें कोई ग्रह ना हो तो केमद्रुम नाम का एक ज्योतिषमय योग होता है। इस योग में जन्म लेने वाला चक्रवर्ती सम्राट का बेटा भी भीख मांग के मरता है, लेकिन इस केमद्रुम योग के बहुत से केमद्रुम भंग योग भी होते हैं। इसलिए केवल चंद्रमा के आगे पीछे ग्रह न होने से या चंद्रमा से केंद्रस्थ ग्रह न होने से किसी को ये ना आप बता दें कि आपका केमद्रुम योग है और ये बहुत बुरा है। आप देखें केमद्रुम भंग योग तो नहीं बन रहा है, अगर केमद्रुम भंग योग बन रहा है तो ये अपना बुरा प्रभाव नहीं डालेगा। चंद्रमा के कारण आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अगर आ रही हैं और इसके कारण तनाव भी हो रहा है तो हर रोज 15 मिनट तक आपको चंद्रमा का ध्यान करना चाहिए। इससे पितृदोष भी कम होता है और शरीर में पित्त भी नियंत्रित होता है। अपने घर की छत पर चटाई डालकर रात में थोड़ी देर तक आराम करना चाहिए और चंद्रमा को देखना चाहिए। हर रोज 15 से 20 मिनट तक चंद्रमा का ध्यान करना चाहिए। प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार हो जाएगा, रक्तचाप नियंत्रित हो जाएगा, और जिन लोगों का हीमोग्लोबिन 10 से नीचे है उन्हें तो निश्चित रूप से उनका चंद्रमा कमजोर है। ऐसे में ऐसे लोगों को चाहिए, जिनका चंद्रमा कमजोर है ऐसे लोगों को चाहिए कि वो नारियल का पानी जरूर पिएं। नारियल के पानी से भी चंद्रमा का प्रभाव मजबूत होता है और चंद्रमा के प्रभाव को मजबूत करने के लिए ऐसे लोगों को चाहिए कि चंद्रमा को पूर्णिमा की रात में अर्घ भी दें। रक्त में अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम आप करना चाहते हैं तो उससे भी चंद्रमा की उपासना से मदद मिलती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और एक बात जान लीजिए, अगर चंद्रमा ठीक हो गया
तो जिंदगी की आधी परेशानी तो अपने आप ठीक हो जाती है। और चंद्रमा को ठीक करने का जो सबसे बड़ा उपाय है वो ये है कि मन आपका ये इंद्रियों के अधीन न हो, मन आपका बुद्धि के अधीन हो और बुद्धि आपकी विवेक के अधीन हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। मन का कारक चंद्रमा है, मन को ठीक कर लिया, माँ को ठीक कर लिया, माँ की सेवा कर लिए, माँ का आशीर्वाद ले लिया तो चंद्रमा अपने आप ठीक हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी।